भगत जी, मुलताई माता आपकी की पवित्र नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुलताई पहली बार पधारे हैं, हम दुनाव में आज आपका कार्यक्रम सुनेंगे और आपकी आवाज के मुलताई क्षेत्र के बहुत सारे युवा दीवाने हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। देखो, आवाज तो जो है सरस्वती माता ने दी हुई है, वाणी तो उनकी है, तो करने वाली सब वही है, आप लोगों का साथ है, आशीर्वाद है। मुलताई के बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे पाठक हैं, उन्होंने एक पूछा था हमसे सवाल कि आप की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है, यहाँ तक आप जब पहुँचे हैं और महाकाल के इतने शानदार आपने भजन गाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूरे देश और विदेश तक पॉपुलर हुए हैं और आज एक ट्रेंडिंग में है, तो उस बारे में छोटा सा एक संक्षिप्त में आप बताएं। देखो, इस राज को तो आज तक मैं खुद भी नहीं जान पाया हूँ, लेकिन हाँ, ये है, बाबा ने, भगवान ने खुद ही बोला कि कर्ता, कारण और कर्म तीनों में ही है, मतलब करने वाला भी मैं हूँ, करवाने वाला भी मैं हूँ, तो जो है सारी उनकी लीला चल रही है ये तो। और बाकी और भी बहुत लाइफ में, जीवन में संघर्ष रहा है, जो बचपने से रहा है। जब मैं 10 वर्ष का था तब माता पिता का देहांत हुआ, उसके बाद से मामा नानियों के पास रहा और लगन लगाए रखा, तो आज यहाँ है। अभी तक आप कितने भजन गा चुके हैं और सबसे फेवरेट आपका कौन सा भजन है, बताएं? अभी तक करीब 30 से 35 एल्बम हुई है, जिसमें से दो कुछ भजन बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। आपका सबसे फेवरेट भजन कौन सा है, ये तो सोचना मेरे लिए खुद बहुत ऐसा कोई भजन जो आपके सभी दर्शकों को सबसे बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा हो? अभी एक रहा था महाकाल की गुलामी, मेरे काम आ रही है, और अभी रिसेंटली एक भजन और आया था, काल भी उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का, ये भी लेटेस्ट वाला है। हाँ, ना कोई मैसेज ना कोई काल अपने, तो बस महाकाल। दो तो लाइन आप दोनों भजनों की सुना दे तो। अरे ना कोई मैसेज ना कोई काल अपने, तो बस बाबा महाकाल, ना कोई पीए ना कोई सीए अपने, तो बस तेरी भक्ति में जिए, ये वाली हिट रही थी। और है उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, और गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिली है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, ये वाला भी काफी है। ये वाला आपका सबसे ज्यादा हिट रहा है? और सबसे पहला सॉन्ग था उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, जो 2016 मार्च को आया था, और 2020 से ये शुरुआत हुई थी, उसी समय में महाकाल मंदिर पहली बार गया था, जिस दिन भजन रिलीज हुआ था। एक बार वो पहला वाला भजन की दुलाई सुना दी। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डाल नारे, ओ भोले राजा। इसे करीब 7 करोड़ लोगों ने यूट्यूब पर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। एक बार आपका यूट्यूब चैनल आप बता दीजिए जो है, दर्शकों को हम कहेंगे कि आप फॉलो कर लीजिए, सुनिएगा। यूट्यूब चैनल किशन भगत के नाम से ही है। इसके अलावा आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम सारा सब कुछ किशन भगत, हाँ, किशन भगत के नाम से ही है। अभी आप दुनाव में जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो उसमें सबसे खास क्या रहने वाला है थोड़ा जी? देखो, ऐसा आज तक हुआ है कि जो सोच कर जाते वो कभी होता नहीं है, और जो वहाँ हो जाता वो कभी होता नहीं है, ये फैक्ट है। तो मैं खुद भी कभी सोच कर नहीं जाता हूँ, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हाँ, कि आज ये यहाँ पर ये वो सब कुछ ऑन द स्पॉट पब्लिक के साथ, पब्लिक ही जो करवाती है सब होता है जो होता है। एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सबसे कठिन आपके लिए क्या होता है जब आप किसी कंसर्ट में जाते हैं और जब आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसका सबसे कठिन समय कौन सा होता है? कठिन समय प्रोग्राम के टाइम ही या उसके पहले? हाँ, मतलब परफॉर्मेंस या जो भी पूरा कंसर्ट होता है उसके दौरान। ऐसा तो कुछ होता नहीं, ये सब बाबा की लीला, ये तो सब अच्छे से ही होता है, सब बढ़िया, बाबा महाकाल जो है सब उनके होते हुए फिर क्या समस्या आएगी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये हमारे साथ देश और विदेश में ख्याति प्राप्त किशन भगत जी है, जिनके अभी के टाइम में भजन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी उनके भजन पहले भी सुनते रहेंगे और आगे भी सुनिएगा। और अब दुनावा के अंदर उनका पूरा प्रोग्राम होगा, जिसे हम हमारे हमदर्द न्यूज़ पर और पब्लिक ऐप पर लाइव दिखाएंगे। धन्यवाद।